हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, एनिमल टिश्यू हमने चालू कर रखा था, जंतु उत्तक हम पढ़ रहे थे, उनको चार भागों में बांटा था। तो हमने एक तो पढ़ लिया था उपकला उत्तक, और जो दूसरा टाइप था जंतु उत्तक का वो था संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू। तो संयोजी उत्तक भी चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें एक टाइप हमने पढ़ लिया था, कौन सा? तरल संयोजी उत्तक, जिसमें लसिका और ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक का दूसरा भाग, संयोजी उत्तक का दूसरा भाग, और वो है संयोजी उत्तक का सेकंड पार्ट, वो है कंकालीय संयोजी उत्तक। सेकंड पोर्शन है कंकालीय संयोजी उत्तक। कंकालीय संयोजी उत्तक, कंकाल का मतलब आप जानते हो, जो हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है उसे कंकाल बोलते हैं। तो कंकालीय संयोजी उत्तक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें हमें दो चीज पढ़नी पड़ेगी, एक तो हमें पढ़नी पड़ेगी अस्थि, मतलब हड्डी, एक तो पढ़नी पड़ेगी अस्थि, और हमें दूसरा पढ़ना है उपास्थि। ठीक है, एक तो अस्थि और एक उपास्थि, इन दोनों ने ही मिलकर कंकालीय संयोजी उत्तक का, संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। तो हड्डियों ने हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है, हाथ पांव, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हड्डी नहीं पाई जाती, 206 हड्डियां हैं बॉडी के अंदर। उपास्थि वो भी हड्डियों की तरह होती है, लेकिन हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती, चर्चा करेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो हमें पढ़ना क्या है, हड्डियों के बारे में पढ़ना है और उपास्थियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ले लो एक नंबर पर हड्डी, यानी कि अस्थि, बोन, ठीक है, सॉरी बोन्स, हड्डियों के बारे में पढ़ना हमें सबसे पहले। तो अब ध्यान दो, देखो अगर हम बात करें ना भ्रूण अवस्था की, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब उसका निर्माण होता रहता है भ्रूण अवस्था में, तो उसको भ्रूण अवस्था बोलते हैं। और भ्रूण अवस्था के अंदर, भ्रूण अवस्था में जो हड्डियों की संख्या है, भ्रूण अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या होती है 370। कितनी होती है? 370। फिर उसके बाद में जब बच्चा बाल्य अवस्था में आता है, किसमें? बाल्य अवस्था में, तो इन हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, और इन हड्डियों की संख्या हो जाती है 306। कितनी हो जाती है? 306। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हड्डियां जुड़ती जाती है। जैसे मान लो चार हड्डी जुड़ गई तो एक ही बन गई, तो संख्या तो ऑटोमेटिक कम हो गई ना, चार हड्डियों की जगह क्या होगी? एक हड्डी हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाता है, बच्चा बाल्य अवस्था की तरफ आता जाता है, हड्डियां जुड़ती जाती है, हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, और कितनी रह जाती है? 206। और जब बच्चा बाल्य अवस्था क्रॉस करता है, उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फिर उसके बाद कोई चेंज नहीं आता है। बचपन के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, किशोर अवस्था, फिर वयस्क अवस्था आती है, तो उनमें जैसे किशोर अवस्था माने हम, किशोर अवस्था के बाद किशोर अवस्था और किशोर अवस्था के बाद हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ये 370, ये 306 नहीं बताना है, आपको डायरेक्टली क्या आंसर देना है? 206। कितने हड्डियाँ होती है? 206। आप किसी को बोलोगे भ्रूण अवस्था में 370 होती है, वो क्या जानेंगे भ्रूण अवस्था? इसीलिए हड्डियों की संख्या कितनी बतानी है? 206। कितनी? 206, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन 206 हड्डियों को पूरा डिस्क्रिप्शन करता हूँ, ये 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पे होती है वो सारी बात बताई जाएगी आपको। तो देखो, इन्हीं 206 हड्डियों से मानव का क्या तैयार हुआ है? कंकाल। मानव का कंकाल तंत्र बना है। कंकाल तंत्र कितनी हड्डियों से बना है? 206। अब कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बने हुए स्वरूप को, अस्थि और उपास्थियों से बने हुए ढांचे को।
अस्थि और उपास्थियों से बनी हुई संरचना को कंकाल तंत्र कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। अब कंकाल दो टाइप का होता है, एक तो अक्षीय कंकाल, एक अनुबंधीय कंकाल। एक तो अक्षीय कंकाल और एक, देखो, एक तो अक्षीय कंकाल, ओके, और एक होता है अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल, अक्षीय कंकाल और सेकंड कौन सा है? अनुबंधीय। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, सॉरी स्केलेटन। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में एक सीधी लाइन में जो ऑर्गन्स आ रहे हैं, एक सीधी रेखा में आने वाले अंग, ये सब किसके पार्ट है? अक्षीय कंकाल के। और अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। कितनी होती है? 80। अनुबंधीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 126। तो कितने हुए, जोड़ो, देखे 126 और 80 कितने हुए? 206 हो गए ना, ठीक है। देखो अक्षीय कंकाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? अक्षीय कंकाल मतलब शरीर की एक सीधी लाइन में आने वाले अंग, जैसे हाथ नहीं आ सकते, ये अक्ष हमारा सीधा ऐसे, तो इसमें जो जो भी अंग आ रहे हैं, जहां जहां भी हड्डियां आ रही है, उनकी संख्या कितनी है? 80। और उनको बोला जाता है अक्षीय कंकाल। जैसे सबसे पहले बात करें कपाल, खोपड़ी, सबसे पहले बात करें किसकी, सॉरी, अगर देखो एक बार, सबसे पहले बात करें करोटी, करोटी प्रदेश। देखो करोटी बोला जाता है इस गर्दन से लेकर ऊपर ऊपर, जिसमें चेहरा, कान, आंख, सर, सॉरी हेड, जो सिर है, ये सब आ गए, इनको बोला जाता है करोटी प्रदेश। क्या बोला जाएगा? करोटी प्रदेश। अब ये जो करोटी प्रदेश है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। कितनी होती है? 29। हमें 80 हड्डियों का जोड़ लगाना पूरा। अब देखो 29 कहां कहां पर है, ध्यान देना, जैसे मान लो कपाल है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8। कितनी होती है खोपड़ी में? 8। चेहरे में हड्डियों की संख्या होगी, फेस की बात करें, फेस की, तो फेस में हड्डियाँ 14। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? 14। उसके बाद अगर हम बात करें तीन नंबर पर किसकी, कान, कान की बात करें तो कान में हड्डियाँ कितनी है? 6। एक कान में 3 होती है तो 2 कान है, तो कितनी हो गई? 6। 14 और 6 कितने हो गए? 20। 20 और 8 कितने हो गए? 28। एक हड्डी और बच रही है, और एक हड्डी है गले वाली, ये है ना, ये इसको हाइओइड बोला जाता है। हाइओइड, क्या नाम है इसका? हाइओइड। एक हड्डी गले में जिसकी संख्या कितनी है? 1। तो कितनी आ गई? 29। ठीक है, 29 हड्डियां बता दी करोटी प्रदेश में। इस यहां से लेकर ऊपर ऊपर कितनी हड्डियां हैं? 29 बोन है। उसके बाद आप चलो नंबर 2 पे, बी, खोपड़ी के नीचे उतरोगे, गला, फिर इसके नीचे आओगे आप, तो यहाँ पर देखो ये एक हड्डी है, ये दिख रही ना छाती के ऊपर सबसे ऊपर, ये एक हड्डी है, ये 12 सेंटीमीटर की, जिसका नाम है स्टर्नम बोन, उरोस्थी हड्डी। क्या नाम है इसका? उरोस्थी, जिसकी संख्या कितनी है? 1। उरोस्थी की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, कितनी हो गई? 29 और 1 30 हो गई ना, कितनी बच रही है? 50 बच रही है। अब आप देखो उसके अलावा देखो ये पसलियां आ गई, फिर क्या आ गई? पसलियां, तो 12 पसलियां इधर है, 12 पसलियां इधर है, मतलब 12 जोड़ी पसलियां, तो 24 हड्डियां हो गई। पसली, पसली पिंजर, जिसमें हड्डियां कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। तो 30 और 24 कितनी हो गई? 54। कितने हो गए? 54। कितनी बच रही है? 26 और बच रही है। देखो नंबर डी, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड का मतलब है रीढ़ की हड्डी, ये वाली रीढ़ की हड्डी। इसमें देखो ये करोटी, ये उर्वस्थी, ये पसलियां और ये रीढ़ की हड्डी, आगे नहीं है पीछे, ये रीढ़ की हड्डी एक सीधे अक्ष में ही तो आ रहे हैं, एक सीधे
मतलब एक सीधी लाइन में आ रहे ना, तो ये अक्षीय कंकाल ही तो है। तो कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या होती है 26, कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या 26। अब आप ऐड कर सकते हो, देखो मैंने चार पार्ट बताए अक्षीय में, करोटी प्रदेश, उरोस्थी, पसली पिंजर, कशेरुक दंड। तो करोटी प्रदेश में कितनी है 29, उरोस्थी कितनी है 30, एक है ना तो 30 हो गई, पसली पिंजर 24, 30 और 24 54, और कशेरुक दंड में 26। तो टोटल ऐसे हड्डियों की संख्या हो गई 80, कितनी हो गई 80। करोटी प्रदेश में कहाँ कहाँ पर 29 है वो भी बता दिया, खोपड़ी में कितनी है 8, फेस चेहरे में कितनी होती है 14, कान में कितनी होती है 6, गले में कितनी होती है 1, ऐसे ठीक है। तो ये हो गई, अब मैं इनकी भी डिटेल दे सकता हूँ कि ये आठ हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा, कोई मतलब भी नहीं है। आप ट्वेल्थ क्लास में आओगे ना तब ये सब चीज़ें पढ़ोगे। अब देखो अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय मतलब एक सीधी लाइन के अलावा आने वाले ऑर्गन्स, जैसे हाथ पांव, जैसे हाथ पांव। तो देखो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है 126, जिसमें सबसे पहले है अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब होता है हाथ, तो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है 60। एक हाथ में 30 हड्डियां हैं, एक हाथ में 30 हड्डियां, तो हाथ कितने हैं 2, तो 30 इंटू 2 कितने हो गए 60। ऐसे ही पश्चपाद, पश्चपाद ठीक है, इसका मतलब पैर, तो एक पैर में भी हड्डियों की संख्या कितनी होती है 30, तो 2 में कितनी हो गई 60, मतलब 120 हड्डियां तो हाथ पांव में है, 120 हड्डियां तो ओनली हाथ पांव में, 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 इस पांव में, 30 इस पांव में, तो हड्डियों की संख्या कितनी होगी 60 और 60 120, कितनी बच रही है 6 हड्डियां। अब देखो नंबर 3 अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला में हड्डियों की संख्या होती है 4, हड्डियों की संख्या 4। अंश मेखला का मतलब होता है ये कंधे वाला पार्ट, ये कंधे वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम अंश मेखला। तो कंधे वाला जो पार्ट है ना, दो हड्डियां इस तरफ है, इस कंधे में दो हड्डियां इस कंधे में, देखो कौन सी, एक हड्डी तो ये वाली आती है ना, ये वाली है जो गर्दन से निकलकर कंधे तक जा रही है वाली, ऐसे ये गर्ल्स में ज्यादा डेवलप होती है, ऐसे कैसे नजर आती है। इस हड्डी का नाम है क्लेवाइकल बोन या कोलर बोन भी इसको बोला जाता है, क्लेवाइकल या कोलर बोन। तो एक कोलर बोन ये रही, एक कोलर बोन, कोलर आती है ना शर्ट की, इसलिए कोलर बोन बोलते हैं, एक कोलर बोन ये रही, एक कोलर बोन ये रही, तो एक दो हड्डियां तो ये हो गई। अंश अंश मेखला का मतलब समझ लेना कंधे वाला भाग, जिसने कंधा बना रखा है, एक हड्डी है, एक हड्डी आती है ना यहाँ पर पीछे, यहाँ पर जैसे हम ऐसे करते हैं तो वो हड्डी ऐसे त्रिभुज की तरह नजर आती है, ठीक है, जब देखा जाता है ना यहाँ से, तो ऐसे ये हड्डी आती है ऐसे ट्राइंगल शेप में नजर आएगी, त्रिभुजाकार, ठीक है। उस हड्डी का नाम है स्केपुला, क्या नाम है स्केपुला, क्लेवाइकल स्केपुला, इधर क्लेवाइकल स्केपुला, दो और दो कितनी हो गई 4, ये कंधे वाला पोर्शन है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है 4। इसके बाद में देखो आप श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला का मतलब होता है गर्दन वाला पार्ट, जो गर्दन वाला भाग है ना जो पीछे तक आ रहा है ये वाला, तो इसमें एक हड्डी तो ये होती है और एक हड्डी ये होती है। इस एक हड्डी के तीन भाग होते हैं, इलियम ईशियम प्यूबिक, इलियम ईशियम प्यूबिक, ठीक है, एक हड्डी ये और एक हड्डी ये। तो श्रोणी मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 2, तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई 120। ये लो आई बात समझ में, ये काम ही खत्म कर दिया कंकाल तंत्र का, 206 हड्डियां होती है और कहां कहां पर होती है वो मैंने पूरा समझा दिया है, आ गई बात समझ में, ठीक है, ये 120 हड्डियां। अब देखो हड्डी का तो काम हो गया, वैसे कंकाल दो प्रकार का होता है, मैंने यहाँ पर कंकाल कितने प्रकार का बताया एक प्रकार का, और वैसे कंकाल कितने प्रकार का होता है, वैसे कंकाल होता है दो प्रकार का। दो प्रकार का मतलब ये जो कंकाल है ना ये तो आंतरिक कंकाल है, ये कौन सा कंकाल है आंतरिक कंकाल, एक कंकाल बाह्य कंकाल भी होता है। आंतरिक कंकाल का मतलब होता है अंदर वाला, आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाला कंकाल जिसमें ये सारी हड्डियां आ रही है, एक होता है बाह्य कंकाल, कौन सा कंकाल बाह्य कंकाल, और बाह्य कंकाल में देखो कौन कौन से, ये बाल,
ये बाह्य कंकाल का हिस्सा है, ये नाखून ये बाह्य कंकाल का हिस्सा है, बाल नाखून अन्य जानवरों में खुर, जैसे गाय भैंस में आता है ना खुर, वो किसका हिस्सा है? बाह्य कंकाल का। तथा गाय भैंस में पाए जाने वाले सींग, सींग भी किसका हिस्सा है? बाह्य कंकाल का। और एक है अन्य प्राणी जैसे पंख, जैसे मोर है या बाज है, इनमें जो पंख पक्षी है, इनमें जो पंख पाए जाते हैं ना पंख, ये किसका हिस्सा है? बाह्य कंकाल का। कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में कौन कौन आते हैं? बाल आते हैं, नाखून आते हैं, खुर आते हैं, सींग आते हैं, पंख आते हैं, ये सब आउटर स्केलेटन है। इंटरनल स्केलेटन की बात करोगे तो बोन्स आती है, हड्डियां आती है और कार्टिलेज आती है, मतलब उपास्थि आती है। तो मैंने बाह्य कंकाल पढ़ाया नहीं, कोई मतलब भी नहीं है, आंतरिक कंकाल सारा समझा दिया। आंतरिक कंकाल दो टाइप का होता है, अक्षीय और अनुबंधीय। अक्षीय कंकाल का मतलब शरीर के वे सभी अंग जो एक सीधी रेखा पर स्थित हैं, एक सीधे अक्ष पर स्थित है, करोटी प्रदेश है, उसके बाद में उरोस्थि है, पसली पिंजर है और कशेरुक दंड। करोटी प्रदेश में 29 हड्डियां हैं, उसके बाद में उरोस्थि एक है, पसली पिंजर में 24 है और कशेरुक दंड में 26 है। इस प्रकार कुल मिलाकर अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या हो जाती है 80। इसके बाद आप इधर वाला देखोगे अनुबंधीय कंकाल, जो कि चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, अग्रपाद, पश्चपाद, अंश में इकला, श्रोणि में इकला। हड्डियों की संख्या 126, एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, दो में 60, एक पांव में हड्डियों की संख्या 30, दो में 60, 60 और 60 120, अंश में इकला, कंधे वाला पाग, दो इधर दो इधर, हड्डियों की संख्या 4, श्रोणि में इकला, कमर वाला हिस्सा, हड्डियों की संख्या 2। इस प्रकार कुल हड्डियों की संख्या 126, ठीक है। तो ये है कंकाल तंत्र। क्या ये कंकाल तंत्र? देखो अस्थि वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं, उपास्थि। उपास्थि क्या चीज होती है ये भी देख लेते हैं नंबर दो पर। कार्टिलेज, देखो उपास्थि कैसे कहते हैं, उपास्थि भी हड्डियों की तरह होती है, लेकिन हड्डी जितनी कठोर नहीं होती है, ठीक है। उपास्थि अस्थि के समान ही होती है, लेकिन उपास्थि अस्थि के समान ही होती है, लेकिन अस्थि जितनी, लेकिन अस्थि जितनी कठोर नहीं होती है, अस्थि के समान होती है लेकिन अस्थि जितनी कठोर नहीं होती। अब उपास्थि कहाँ पर है? देखो उपास्थि हमारी बॉडी में जगह जगह मिलती है आपको, जैसे कुछ एग्जांपल आपको मैं बता दूँ, नासिका, नासिका मतलब होता है नाक, कर्ण मतलब कान, ठीक है। इसके अलावा श्वास नली, पसली, इन पसली मान लो, कंठ मान लो, ठीक है। ये सभी ऑर्गन किससे मिलकर बने हुए हैं? जैसे आप बोलो सर पसली तो हड्डियां हैं, तो पसली में उपास्थि भी आती है, कुछ पोर्शन किसका आता है? उपास्थियों का भी आता है। नाक, नाक में हड्डी भी है, देखो ये बात दिख रहा ना आपको, नाक में ऊपर ये तो हड्डी है, ये तो क्या है? हड्डी। लेकिन ये है ना, ये जो बिल्कुल सॉफ्ट है, ये जहाँ पर लड़कियां नाक छिंदवाती है, तो हड्डी में तो छिंदवा नहीं सकते, हड्डी में नहीं घुसेगी, काफी स्ट्रॉन्ग है ये। जो जिसमें लड़कियां बाली पहनती है, बाली छिंदवा सकती है नाक में, वो उपास्थि है। वो क्या होती है? उपास्थि, क्योंकि उपास्थि थोड़ी सी सॉफ्ट होती है कंपेयर देन बोन्स। कान में देखो आप ये वाला, ये टोटल कार्टिलेज, ये उपास्थि है, हड्डी नहीं है, हड्डी अंदर होती है, कान के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। ये क्या है? उपास्थि। इसे क्या बोलोगे आप? उपास्थि। तभी तो इसके अंदर हम बाली छिंदवा सकते हैं कुछ भी। तो नासिका में भी उपास्थि होती है, कान में भी होती है, श्वास नली, श्वास नली के अंदर भी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं सी आकार के, आप आगे पढ़ोगे। पसलियों में भी उपास्थि के कुछ कुछ पार्ट है, कंठ में भी 9 प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। तो ये सब ऑर्गन्स किससे मिलकर? अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान रहे, उपास्थि होती तो हड्डी की तरह है, लेकिन हड्डी जितनी कठोर नहीं होती। ये लो,
ये हमने आज एक पोर्शन कंप्लीट किया किसका, संयोजी उत्तक का सेकंड पार्ट, कंकालीय संयोजी उत्तक, कंकालीय संयोजी उत्तक, ठीक है, कंकालीय संयोजी उत्तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, इसके दो पोर्शन और बच गए, किसके, संयोजी उत्तक के, एक तो वसामय और एक गर्तिकामय, वसामय और गर्तिकामय, वो हम नेक्स्ट क्लास में। तो देखो संयोजी उत्तक के दो पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिए, एक तो तरल संयोजी उत्तक और एक हमने पढ़ लिया कंकाल संयोजी उत्तक, जिसमें हमने अभी अभी दो पढ़े, एक तो क्या पढ़ा था अस्थि और एक क्या पढ़ा उपास्थि। अब स्टार्ट करते हैं संयोजी उत्तक का तीसरा पार्ट, और तीसरा है वसा मैं, वसा मैं, एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू, छोटे छोटे टॉपिक है ये। तो देखो वसा में उत्तक किसे कहते हैं, ये उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा और मांसपेशी के बीच में, त्वचा और मांसपेशी के बीच में पाए जाने वाले उत्तकों को वसा में उत्तक कहते हैं। बस सीधी सी बात है, सबसे ऊपर स्किन आती है, स्किन के नीचे मसल्स, फिर हड्डियाँ, फिर नर्व आती है। लेकिन आप ध्यान देखो मांसपेशी, सॉरी त्वचा, त्वचा के नीचे, त्वचा और मांसपेशी को एक उत्तक ने जोड़ रखा है। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिंग वाला, तो त्वचा और मांसपेशी को जोड़ने वाला उत्तक वसा में, यह उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है। यह उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है, मतलब त्वचा और मांसपेशी के बीच में पाया जाता है, समझ गए, कनेक्टिंग टिश्यू है ना, जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, ये त्वचा, और देखो त्वचा, स्किन और मसल्स, इन दोनों को कॉम्बाइन कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसका जो चौथा पोर्शन है, फाइनली लास्ट और चौथा जो पोर्शन है वो है गर्तिकामय, गर्तिकामय मतलब एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू, गर्तिकामय, ठीक है। अब जो गर्तिकामय है ये दो टाइप का होता है, ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, दो टाइप का कौन कौन सा है, सुनना ध्यान से, एक तो है कंड्रा, एक तो कंड्रा, इस इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, क्या बोलते हैं इसको, टेंडन, और एक होता है स्नायु, लीगामेंट, एक तो कंड्रा और एक स्नायु, एक कंड्रा एक स्नायु, एक कंड्रा एक स्नायु। अब देखो कंड्रा किसे कहते हैं, कंड्रा भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, मतलब किसी ना किसी चीज को जोड़ेगा, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो जो कंड्रा है ना ये मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। इससे पहले हमने पढ़ा वसा में त्वचा और मांसपेशी को जोड़ता है, और ये वाला किसको जोड़ता है, मांसपेशी और हड्डी, मांसपेशी और हड्डी, यह उत्तक मांसपेशी एवं हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है, यह उत्तक मांसपेशी एवं हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है, मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है, ध्यान रहे मांसपेशी और हड्डी, ये त्वचा और मांसपेशी। स्नायु दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, दो हड्डियों का जो जोड़ आता है ना, दो हड्डियों का जो जॉइंट आता है, उस जॉइंट में पाया जाता है क्या, लिगामेंट, ठीक है, मतलब दो हड्डियों के जॉइंट में पाया
जाने वाला उत्तक। दो हड्डियों के जॉइंट में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा होता है? लीगामेंट। ठीक है, दीज आर ऑल टोटल कनेक्टिंग टिश्यू। ये सब एक प्रकार के क्या है, ये सब प्रकार के कनेक्टिंग टिश्यू किसी ना किसी को कॉम्बाइन कर रहे हैं। एडिपोज क्या कर रहा है, स्किन और मसल्स को ऐड कर रहा है। जो एरियोलर है, टू टाइप का जो टेंडन है, वो क्या कर रहा है, मसल्स और जो बोन्स है उसको कॉम्बाइन कर रहा है। और जो लीगामेंट्स है, दो बोन्स को क्या कर रहा है, उनका एक जॉइंट तैयार कर रहा है दो हड्डियों के बीच में, वो कौन सा उत्तक होता है, स्नायु उत्तक। ये लो, इस प्रकार ये हमारा संयोजी पादप संयोजी जंतु उत्तक वाला पोर्शन खत्म। तो दो जंतु उत्तक पढ़ लिए हमने, एक तो उपकला और एक संयोजी, एक उपकला और संयोजी। जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम तीसरा जंतु उत्तक पढ़ेंगे और वो है मांसपेशीय जंतु उत्तक। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।